राजकुमार हिरानी के अब तक के मूवी के इतिहास में देखें तो पता चलता है कि उनकी फिल्में ज़्यादातर सामाजिक मुद्दों पर होती है, खासकर समाज की मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी की भी सामाजिक मुद्दों की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस का उत्साह आसमानों पर है। वजह है उनकी आने वाली फिल्म डंकी, जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े निर्देशक राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं। यह पहली बार होगा जब राजकुमार हिरानी शाहरुख खान की फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज 22 दिसंबर 2023 को तय की गई है। यानी निर्देशक और अभिनेता की यह जोड़ी क्रिसमस के दौरान फिल्म को रिलीज कर एक बड़े रिकॉर्ड की तरफ बढ़ने जा रही है। हालांकि फैंस के मन में अभी भी यह सवाल है कि फिल्म का टाइटल जो है उसका मतलब क्या है। बॉलीवुड के अंतरखानों के हिसाब से मिली जानकारी से पता चलता है कि डंकी जो है एक कोड वर्ड है। यह कोड आया है डंकी फ्लोइंट शब्द से। इसे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से प्रवासियों को सीमा पार करने की कोशिश को भी माना जाता है। सिर्फ विमान सेवा से किसी और देश तक पहुँचाने का साधन नहीं है। अवैध तरीके से सीमा पार करने को किसी भी रूप में उसको डंकी बोलते हैं। आमतौर जिन लोगों को किसी भी वैध तरीके से किसी भी देश में जाने के लिए एंट्री नहीं मिलती है, तो उससे मुश्किल रास्तों से जाकर और अपनी पहचान छुपाकर किसी दूसरे देश में अवैध तरीकों से घुसते हैं। अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवा जो हैं वो भी डंकी फंड्स को अपने उपयोग में लेते हैं और अवैध तरीकों से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। हिरानी के फिल्म पोस्टर और अनाउंसमेंट को देखते हुए यह पता चलता है कि इस मूवी में डंकी नाम का उपयोग इनलीगल एक्टिविटी और अवैध तरीकों से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करने पर आधारित। पोस्टर में रेगिस्तान के रेत पर कई लोगों को पैदल यात्रा करते हुए देखा जाता है। साथ ही रेगिस्तान के टीलों के तौर पर फिल्म का टाइटल डंकी यानी डंकी उभरा दिखाई देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।